वेलकम बैक। लास्ट लेसन में फ़ोन नंबर मैंने वेरीफाई करना रह गया था, तो मैंने वो वेरीफाई कर लिया था एक फ़ोन नंबर का अरेंजमेंट करके। ठीक है, जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर वेरीफाई करा, ओटीपी आया था और यहाँ पे मेरा स्कोर हो गया 70%। दैट्स इट। अब मैं फिनिश का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे होगी फिनिश, और एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हो आप। ठीक, अब हमारी एक प्रोफाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे सीधा दिखा रहा है कि भाई अब अपने आप गिग्स डालना शुरू करिए। अब हम गिग जो बनाना है पूरा उस पे काम करेंगे, राइट। चलिए, हमने गिग डिस्क्रिप्शन पहले लिखा हुआ था, ये रहा गिग डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, जो आई विल होता है, आई विल इसके अंदर ऑलरेडी लगा रहता है, ये स्टैग्नेंट है, ये नहीं चेंज हो सकता। इसके आगे आप जो भी लिखना है, आई विल प्रोवाइड प्रीमियम रियल इस्टेट लीड्स। ठीक, यहाँ पे आप कोई नंबर्स नहीं यूज, आप नंबर्स यूज कर सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हो, और कैपिटल भी नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लीड जनरेशन इसने ऑटोमेटिकली दिखा दिया, B2B रियल इस्टेट कर दिया। सो स्टैक्स B2B लीड्स, ये वही है सर्च टैग्स, जैसे कि जो हमने पहले टैग्स देखे थे ना, वही वाले टैग्स आप इसके अंदर डाल सकते हो। और मेक श्योर कि आपके सारे टैग्स एकदम सही हो, क्योंकि टैग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। टैग्स की वजह से अगर आपके सही टैग्स हैं तो आपकी रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और कैटेगरी भी सही सिलेक्ट करना, अगर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट करी तो आपके ऑर्डर्स बहुत कम आएंगे और आपको जितनी विजिबिलिटी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। ठीक, रियल इस्टेट लीड्स लीड जनरेशन लीड्स आई विल प्रोवाइड, ये देख रहे हो पूरा लिख दिया। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपने लिखा आई विल प्रोवाइड प्रीमियम रियल इस्टेट लीड्स। यहाँ पे ना जो फाइवर का जो गिग का लिंक बनता है, फॉर एग्जांपल ये आई विल डू बुक कवर डिजाइन और ई बुक कवर विथ प्रो बुक फॉर्मेटिंग, ये इतना बड़ा इसका यूआरएल बन गया। जो आप पहली बार गिग टाइटल डालते हो और सेव का बटन दबा देते हो, वही आपका गिग का टाइटल बन, वही आपका यूआरएल बन जाता है गिग का। मेक श्योर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखना है, आई विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक, लेट्स से आपका ये है टाइटल। ठीक है, तो आप ये नहीं कि ये लिख के पूरा सेव कर दीजिए, आप करिए आई विल प्रोवाइड प्रीमियम रियल स्टेट लीड्स कर दो फ्रॉम फेसबुक। तो जब मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिर्फ इतना ही यूआरएल बनेगा, प्रीमियम रियल स्टेट लीड्स फ्रॉम फेसबुक। हमारे केस में हम रखेंगे सिर्फ इतना, प्रीमियम रियल स्टेट लीड्स। इसमें कीवर्ड आ जाएगा जब शुरुआत में ही, तो आपकी जो रैंकिंग है काफी इफेक्ट करेगी, काफी ज्यादा ग्रो करेगी। चलिए, हमने सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब देखना ऊपर यूआरएल आ जाएगा, ये देखा प्रीमियम रियल एस्टेट लीड्स, ये बन गया आपका यूआरएल। अब आपके गिग का यूआरएल ही ये बन गया, और अब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप पहली बार ही जब बना रहे हो गिग, तो मेक श्योर आप ठीक से लिख रहे हो टाइटल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है फाइबर गिग पैकेजेस का, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, 1, 2, 3। ठीक, आप चाहो तो सिर्फ एक पैकेज रख सकते हो, आप चाहो तो 3 पैकेज रख सकते हो। हमने ऑफ कर देंगे तो सिर्फ एक पैकेज रहेगा,
ऑन कर दोगे 3 पैकेज रहेंगे, आपकी मर्जी है। आपका जो प्रोडक्ट है, आपके सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पैकेजेस रखना चाहते हो। ऑन एन एवरेज $10, $5 से आप शुरुआत करो, 10, 30 और 100, ठीक, जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपकी जो सर्विस है उसके हिसाब से। जैसे इसने शुरुआत ही 16,000 से खरीदी हुई है, 16,000, 30, 26,000 और 32,000। इसको अगर हम डॉलर्स में कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे जाके डॉलर्स में होता है, चलिए अब ये डॉलर्स में हो गया, $225 से शुरुआत करी इसने, 355 और 435, सेम इसके साथ होगा, देख लेते हैं कितने में दे रहा है, 150, 450 एंड $1,000, राइट। तो आप, आपको देखना है कि आप कितने में सर्विस देना चाह रहे हो। ये $5 में दे रहे, $10 में और $15 में। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे अल्टीमेट बूस्टर, बिजनेस बूस्टर हम एक ही बना रहे हैं अभी, 10 मोटिवेटेड लीड्स। डिलीवरी टाइम 1 दिन 2 दिन, मेरे हिसाब से आप एक ही दिन या 2 दिन रखिए। अगर आप एक दिन रखते हो तो एक्सप्रेस डिलीवरी के अंदर आपका गिग आ जाता है और इससे भी बूस्ट मिलती है। अगर आपका गिग छोटा है जो एक दिन के अंदर हो सकता है तो आप एक दिन कर दीजिए। इससे भी बेटर आप क्या कर सकते हो, जो गिग की ये है टाइटल, इसके अंदर लिखते हो इन 8 आवर्स, इन 12 आवर्स, इससे भी हमारा वो जो CTR है ग्रो होगा, ठीक है। रिवीजन, मगर अगर लेट से किसी बायर ने आपसे बाय करा, उसको आपका काम पसंद नहीं आया, तो वो रिवीजन कितनी बार दे सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे, ठीक है। हमने लिख दिया चलो 2 बार दे सकता है। लीड्स इंक्लूडेड, कितनी लीड्स है, 50 लीड्स है, चलिए 50 कर देते हैं इसको, ठीक। क्लीनिंग फॉर्मेटिंग है, नहीं है। आवर्स ऑफ वर्क कितना है, लेट्स से 4 घंटे का काम है। कोल्ड कॉल्स है, नहीं है तो सिलेक्ट कर दी, कुछ भी मत करिए। प्राइस 5 से लेके $1,000 तक आप रख सकते हो, हम कर देते हैं इसे $20, ठीक है। एडिशनल आवर्स, अब ये गिग एक्स्ट्रा क्या होता है, आपने गिग बना लिया, अब इसके अंदर आता है गिग की एक्स्ट्रा में आप क्या क्या दे सकते हो। यहाँ पे आप अपसेल कर सकते हो, एड एक्स्ट्रा आवर्स, 1 घंटा और चार काम करना है, फास्ट डिलीवरी, यहाँ पे आप कर दो, आई विल डिलीवर इन 1 डे ओनली फॉर $10 एक्स्ट्रा। मतलब ये 2 दिन में आप कर रहे हो मगर एक ही दिन में काम कर दोगे, कितने में, $10 में, तो टोटल कितने हो गए, $30, और लोग लेते हैं ये। एडिशनल रिवीजन, हमने वहाँ रिवीजन कितनी दी थी, सिर्फ एक हमने दिए, 2 रिवीजन, यहाँ पे करो 2 रिवीजन और देंगे हम $5 में। और क्या कर सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस, और क्या ऐड कर सकते हो, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग नहीं, हम कर देते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लीड भी लिख सकते हैं, 10 एक्स्ट्रा लीड्स, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू 10 एक्स्ट्रा लीड्स कितने में, $5 में, लेट्स से यहाँ कर देते हैं $12, $20 20 लीड्स। अब बंदे को लगेगा कि यार ये तो मुझे फायदा ही हो रहा है, तो अब आपकी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर एन एक्स्ट्रा रुपीज डॉलर्स दिस, और टाइम एक्स्ट्रा चाहिए कि नहीं चाहिए, हम लिख देते हैं नहीं, नहीं चाहिए, ठीक। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। इस तरीके से हमारा केक जो है बन गया है। आगे हम देखेंगे कि जो आपका गिग है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे करनी है। ये देखिए जो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ली थी, यहाँ बनाई थी ना,
नहीं, हमने डिस्क्रिप्शन पहले लिख ली थी। यहाँ गए, इसे चिपका दिया। अच्छा, 1200 वर्ड्स तक की लिमिट होती है, 2000 नहीं होती है। अब मैंने आपको 2000 बोल दिया था पहले, 1200 वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम। ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे बोल्ड, और ये जो बटन है ना यहाँ पे, इससे देखो कलर आ जाएगा। आ गया, जो मेन मेन वर्ड्स होंगे हम उसको मार्क कर देंगे, राइट। ले लीजिए, आप यहाँ पे दूसरे पॉइंटर्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एमोजी वाले होते हैं ना, टिक का बटन, टिक यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो ग्रीन टिक एमोजी, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए, ये रहा, ये हमने लगा दिया इसको यहाँ पे। अगर ये लो, ठीक है, इस तरीके से जो हमारी जो किक की डिस्क्रिप्शन होगी वो और बेटर हो जाएगी। यहाँ पे FAQ आएगा, ये मैं बता दूँ आपको अगली वीडियो में कि FAQs क्या होते हैं, आप कैसे FAQs आपको लिखने चाहिए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।